गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास एडुनेट फिश शाहवाज। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस GIC एजुकेशन एग्ज़ाम 2021। ये एग्ज़ाम 19 सितंबर को परफॉर्म किया गया था। तो अब तक के हम लोग पार्ट वन में 41 से 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 61 क्वेश्चन से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। तो नॉन मटीरियल कल्चर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं और रिलीजन, ये तीनों पार्ट होते हैं, लेकिन फूड हैबिट जो है इसका पार्ट नहीं होता नॉन मटेरियल कल्चर का, क्योंकि मटेरियल थिंग है। फिर अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है टोटल 6 एलिमेंट्स से ये यूनिवर्स बनी हुई है। बेसिकली उन्होंने 2 ब्रॉडर कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया हुआ था, लेकिन और फिर कुछ इसके सब पार्ट थे, तो अगर हम उनको टोटल कर देते हैं तो टोटल 6 बन जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हम लोग 63rd क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है, एमिली रूसो की है, ठीक है। साइंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये A.N. Whitehead की है। एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल जॉन डीवी, तो ये जो है रॉन्ग है। तो ये हमारा जो है पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच, तो ये डी जो है सी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि ये जो है जॉन डीवी ने किताब नहीं लिखी थी, ये किताब थी T.P. Nunn की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी हैज़ लीस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है एजुकेशन के फील्ड में? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का है, सी ऑप्शन इसका सही है। वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस एंड एंशंट नॉलेज ऑफ वेदांता शुड बी सिंथेसाइज्ड फॉर टीचिंग, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। तो ये किसने कहा था, ये क्या कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। फिर सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग विद रेफरेंस टू डी स्कूलिंग। तो डी स्कूलिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो कौन सा है? डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये ठीक है। डी स्कूलिंग इज़ अगेंस्ट स्कूलिंग, ये भी ठीक है। डी स्कूलिंग इज़ अगेंस्ट हिडन करिकुलम, ये भी ठीक है। लेकिन डी स्कूलिंग इज़ एंटी टीचर, ये जो है ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें सही, क्योंकि पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, इसमें भी जो है कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ह्यूमन सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी थी? ये जोन्स लिखा हुआ है, जोन्स ने। तो यही ऑप्शन जो पहला था, यही ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि किताब जोन्स ने नहीं लिखी हुई थी। तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसको टिक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये किताब जो लिखी थी वो लिखाई थी डेविस ने। फिर यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, List 1 और List 2, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको करेक्टली हमें जो है मैच करना है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बुक जो है किसकी लिखी हुई है? तो ये ए का जो है सेकंड जॉन डीवी की लिखी हुई है, ए का 2 है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बी का 3rd होना चाहिए, ये रूसो की लिखी हुई है। माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो ये MK गांधी महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है। और द लाइफ डिवाइन, ये किताब जो है श्री अरबिंदो की है। तो 3, 2, 3, 4, 1 करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक स्टेटमेंट दिया है, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये किसने कहा था? ये जॉन डीवी ने, मैकाइवर ने, ओटावे ने या डुरखीम ने? तो ये कहा था मैकाइवर ने, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर है द टर्म वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो ये हॉटॉक कमेटी ने इसको पहली बार डिफाइन किया था। तो यहाँ पर भी 71 क्वेश्चन में भी जो है 2 लिस्ट दी हुई है। तो ये बर्नार्ड रसेल जो है रियलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, तो इसका 4th ऑप्शन सही है। और बी का जो है हमारा 1st होना चाहिए। तो रूसो जो है, क्योंकि हमें पता है रूसो नेचुरलिस्ट फिलॉसफी फॉलो करते, और सोक्रेटिस आइडियलिस्ट थे, तो आइडियलिज्म, तो सी का 3rd होना चाहिए। और ये विलियम जेम्स जो है प्रैग्मेटिस्ट थे, तो प्रैग्मेटिज्म इसका सही ऑप्शन है। तो 4, 1, 3, 2। फिर एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दी ऑथर ऑफ नेचर, मैन मेडल्स विथ इट एंड इट डीजनरेट्स, हु सेड दिस। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था रूसो का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट
करेक्ट अबाउट श्री अरविंदो अति मानव, तो इसमें से जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इट इज़ इंटीग्रेटेड फ्रॉम सत्य चित एंड आनंद, ये सही है। इट एग्जिस्ट इट्स एग्जिस्टेंस एंड पावर आर इटर्नल, ये भी सही है। द वर्ल्ड इज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम हिम, तो ये जो है गलत ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन दी, क्योंकि इट इज़ मेड फ्रॉम नेचर इंटेलिजेंस एंड ईगो, तो ये सही है, तो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन गिवन इन, तो ये NPE 1986 में दिया गया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ करेक्ट ही ऑप्शन लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर दी चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि आर्टिकल 45 में ये दे रखा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे थे, तो आर्टिकल 45 इसमें राइट ऑप्शन था, मैंने वही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी दो लिस्ट दे रखी है, अब उसमें जो है एक तरफ हमें एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, इधर आर्टिकल्स दे रखे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये दे रखा है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, तो हमें पता है ये आर्टिकल 30 में दे रखा है, तो एक ऑप्शन जो है आर्टिकल 30 यानी 4 सही रहेगा। और फिर कंजर्वेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल साइट्स एंड प्लेसेस, तो ये हमारा आर्टिकल 49 है। और फिर है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, तो हमें पता है ये आर्टिकल 24 में आता है। फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये आता है हमारा आर्टिकल 48 में, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए था हमारा 4, 3, 1 और 2, ये ऑप्शन सही होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन, तो हंटर कमीशन ने इसको पहली बार डिसेंट्रलाइज किया था। फिर विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, तो बुद्धिज्म वॉज मोर कंसर्न विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रादर देन मेटाफिजिकल क्वेश्चन, तो ये सही है। मेटाफिजिकल क्वेश्चन ये भी सही, ये सही है। बुद्धिज्म डिनाउंस इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन बर्थ और कास्ट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 79 क्वेश्चन जो था वो था अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो उसको सही ऑर्डर में मुझे लगाना है, कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, कौन सी रिपोर्ट सबसे पहले आई, तो सार्जेंट रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, वुड एबॉट रिपोर्ट और सैटलर कमीशन, तो इसमें सही कौन सा था, 2 पहला होना चाहिए था, वुड डिस्पैच, हमें पता है वुड डिस्पैच 1857 में आया, 1857 में आया सबसे पहले। और जो नेक्स्ट था 4 सैडलर कमीशन, तो ये आया था 1917 में। और फिर आया था थर्ड, ये आया था 1937 में, वुड एबॉट रिपोर्ट, और सार्जेंट रिपोर्ट सबसे आखिरी में 1944 में आया था, तो यही ऑप्शन इसका सही है 2, 4, 3, 1। फिर है एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट इस द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट, तो किसकी रिपोर्ट की ये टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये था रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन का था। तो आज हमने टोटल जो है 61 से 80 क्वेश्चन तक आज हमने परफॉर्म किए हैं, अब आने वाले वीडियोस में हमारे 40 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।